गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास फाइव के लिए चैप्टर एट को लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है एनिमल्स इन आवर्स लाइव्स। स्टूडेंट, इससे पहले जो वीडियोस थी उसमें मैंने एनिमल्स नीड केयर, इसको मैं हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इसी के नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, इसको हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं, इसको अब देखते हैं। प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। A large number of animals nowadays are becoming rare due to human thoughtlessness. Student, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि animals को कितने needs की जरूरत होती है, किस तरह से हम उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, उसे safe रख सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे animals आजकल ऐसे हो रहे हैं कि हम लोग अपनी सोच की वजह से, हमारा जो सोच है वो इतना गंदा होता जा रहा है कि अपने फायदे के लिए हम बहुत सारे जानवर को खत्म करते चले जा रहे हैं। वी आर हंटिंग देम एंड डिस्ट्रॉइंग देयर हैबिटेट बाय कटिंग फॉरेस्ट। हम लोग क्या करते हैं, अपने सेल्फ नीड के लिए उनका घर यानी फॉरेस्ट जहां वो रहते हैं उसको भी हम कटिंग करते जा रहे हैं, जिससे उनका घर नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसका शिकार करके हम उनके हर तरह से उनको हम हानि पहुंचा रहे हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड इनडेंजर्ड एनिमल्स। इनडेंजर्ड एनिमल्स मतलब जो हमारे पास से विलुप्त होता जा रहा, खत्म होता जा रहा है, उसे हम कहते हैं इनडेंजर्ड एनिमल्स। सम एनिमल्स कैन नॉट बी सीन एट ऑल टूडे। बहुत सारे कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो आज के समय में हमें देखने को ही नहीं मिलता है। दे आर एक्सटिंक्ट एनिमल्स, इन्हें हम एक्सटिंक्ट एनिमल कहते हैं, जो हमारे पास से ख़त्म होते चले जा रहे हैं, जो हमें आज देखने को नहीं मिल रहा है वो अब ख़त्म हो गए हैं, उसे हम एक्सटिंक्ट एनिमल कहते हैं। जैसे कि डोडो इज एन एक्सटिंक्ट बर्ड। डोडो जो एक ऐसा बर्ड है जो अब हमें नज़र नहीं आता है, डोडो एक ऐसा वर्ड है जो अब हमें दिखाई नहीं देता है। द इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट इज कॉल्ड पोचिंग। द इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट इज कॉल्ड पोचिंग। पोचिंग का क्या मतलब होता है, पोचिंग हम उसे कहते हैं जिससे गैर कानूनी तरीके से जब हम एनिमल्स का शिकार करते हैं उनकी बॉडी पार्ट्स के लिए, तो उसे हम पोचिंग कहते हैं। एंड पोचर्स आर पीपल who kill animals for their body parts। और जो लोग animals का शिकार उनके body parts के लिए करते हैं उसे हम poachers कहते हैं। वो लोग जो illegal तरीके से animals का hunting करते हैं, उन्हें मारते हैं उनके body parts के लिए, उसे हम poachers कहते हैं। Some animals that are in danger of extinct, या आप इंडेंजर्ड एनिमल्स भी कह सकते हो, आर गिवन बिलो। आप देख रहे हो कि इस बॉक्स में कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, उनके हंटेड हैं और यूजेस टू मेक, मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स उसका हंट किया जाता है, शिकार किया जाता है, और किस लिए किया जाता है आपको वो भी इसमें बताया गया है, उस चीज़ का क्यों किस में यूज होता है। जैसे मस्क डियर है, ए पेयर ऑफ ए स्मेल ग्लैंड प्रेजेंट अंडर द बेली ऑफ द मेल्स। मतलब मस्क डियर में ऐसी कौन सी चीज़ पाई जाती है जिसकी वजह से उसका शिकार किया जा रहा है, और उस थिंग से क्या चीज़ बनाया जाता है वो आपको इसमें, जैसे उसके इस जो मेल्स में जो बेली होता है, जो ग्लैंड में, उससे मेडिसिन और परफ्यूम बनाए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे बॉक्स में जो बनाया हुआ है उसे आप अच्छे से लर्न कर लेना, इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से पढ़ के। टाइगर इज इन डेंजर। टाइगर इज इन डेंजर। स्टूडेंट्स, टाइगर इज ए फेरोसियस एंड डेंजरस बट ब्यूटीफुल एनिमल। आप देखते हो ना कि ब्यूटी, ये एनिमल जो टाइगर है कितना खूबसूरत होता है, ये इतना भयानक है, इतना खतरनाक है, उसके बावजूद भी ये बहुत ही खूबसूरत होता है। फेरोसियस मीन्स खतरनाक, या आप भयानक इसे कह सकते हो। इट इज इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। ये भी है, इनकी भी जान अब इतनी ज़्यादा खतरे में है कि ये भी अब हमारे हमारे पास से ये ख़त्म होते जा रहे हैं। इट्स नंबर इज डिक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। बहुत तेज़ी से ये कमी होती जा रही है इसमें। द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन एज फेस्ड ए मेजर सेट बैक इन द लास्ट सेंचुरी एंड इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज।
स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि ये जो टाइगर्स हैं अब के कुछ ऐसे लास्ट सेंचुरी में ये बहुत ही पीछे जा चुके हैं, मतलब इतनी ज़्यादा कमी हो गई है अब इनकी कि अब ये हमें देखने को तो मिलते भी नहीं है और इनकी जान भी बहुत खतरे में हो गई है। तो ये इंडेंजर्ड स्पीशीज जो विलुप्त होते चले जा रहे हैं हमारे पास से, ये टाइगर्स हैं। अब इन टाइगर्स को बचाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या किए गए हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज द फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया फॉर टाइगर्स दैट वॉज सेटअप इन 1936। 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बनाया गया था, जो सबसे पहला ऐसा एरिया था जिसमें टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता था। ये सिर्फ टाइगर्स के लिए बनाया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पे टाइगर्स को प्रोटेक्शन मिलता था। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन 1973, हमारे देश में यानी इंडिया में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। इट पुट ए बैन ऑन द हंटिंग ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स की शिकार पे बैन भी लगाया गया था। अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 27 टाइगर रिजर्व वेयर सेटअप। 27 टाइगर रिजर्व यानी 27 टाइगर रिजर्व, उसको सुरक्षित रखने के लिए उसको टाइगर रिजर्व को बनाया गया, सेटअप किया गया। अ नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड सेंचुरीज वेर आल्सो सेटअप एंड देयर आर मोर देन 500 सच पार्क्स इन इंडिया टुडे। आज इंडिया में, आज के समय में हमारे इस देश में 500 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो इस टाइगर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा देते हैं। तो ये तो जितनी भी बातें हमने देखी यहाँ से, वो सब गवर्नमेंट ने किया है। अब हमारी क्या राय है, हम क्या कर सकते हैं अपने इस खूबसूरत से जानवर को बचाने के लिए, खूबसूरत से टाइगर को बचाने के लिए हम क्या करें? तो देखते हैं, योर रोल इन सेविंग द टाइगर, अब हम सब क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट, क्या होता है कि जब किसी चीज़ की कमी होने लगती है तो अगर हम उस चीज़ का यूज़ करना बंद कर दें तो वो फिर बढ़ने लगेगा। ठीक उसी तरह से अगर ये टाइगर की जितनी ज़्यादा शिकार किया जा रहा है, उसकी जान को खतरे में डाला जा रहा है, अगर टाइगर की स्किन से जो कुछ भी बनती है उसको अगर हम लोग खरीदना बंद कर दें तो ऑलमोस्ट इस पर थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। तो डू नॉट बाय टाइगर प्रोडक्ट्स लाइक टाइगर स्किन, हैंडीक्राफ्ट्स एंड मेडिसिन। टाइगर प्रोडक्ट, टाइगर से जो भी प्रोडक्ट तैयार होते हैं अगर उसे हम खरीदना बंद कर दें, जैसे टाइगर स्किन है या हैंडीक्राफ्ट और अदर मेडिसिन है, इन सबको अगर हम खरीदना बंद कर दें तो कुछ हद तक इसमें इसको हम लोग प्रोटेक्शन दे सकते हैं। सेकेंड है, मेक पीपल अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग द टाइगर फॉर द वेल बींग ऑफ द इंटायर इकोसिस्टम। हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें लोगों को ये समझाना होगा कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। टाइगर अगर हमारे देश में है तो हमारे वातावरण में कितनी ज़्यादा फायदा होगी, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है टाइगर का हमारे इस पूरे इकोसिस्टम के लिए, तो ये हमें लोगों को समझाना होगा। टू सेव टाइगर वी हैव टू सेव फॉरेस्ट व्हिच आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर। ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि टाइगर हमारे बीच तो नहीं रह सकता है, वो सिर्फ रहेगा तो रहेगा सिर्फ जंगल में, और जंगल अगर नहीं रहेंगे तो इनका घर नहीं रहेगा। तो इसीलिए टाइगर्स को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो फॉरेस्ट को बचाना होगा जो इनका अपना घर होता है। जिस तरह से हम लोगों का घर है, ठीक उसी तरह से टाइगर का भी घर है, जिसे हम जंगल कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, स्टार्ट ए टाइगर क्लब और गेट अटैच्ड टू प्रोजेक्ट टाइगर। या तो हम टाइगर क्लब को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर एक प्रोजेक्ट टाइगर से हम जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एनिमल्स केयर, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनिमल केयर के लिए, सम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक पेटा PETA इनकरेज एनिमल प्रोटेक्शन, प्रिवेंट क्रुएल्टी टू एनिमल्स एंड वर्क फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है पीटा जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है, उसके साथ बर्बरतापूर्ण, जो क्रूरतापूर्ण हम लोग बिहेव करते हैं उसे करने से रोकता है, और साथ ही वाइल्ड लाइफ के लिए भी ये कंजर्वेशन का काम करता है, उसे बचाने का काम करता है। तो ये कुछ हमारा टॉपिक, हमारा जो लेसन था, चैप्टर 8,
एनिमल्स वी लिव, वो ख़त्म होता है आज। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं इसके जो हमें बुक में करना है उसको। लेकिन उससे पहले आप सब इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और फिर आपके पास जो बुक है उसमें जो मैं अभी करवाने वाली हूँ आपको एक्सरसाइज टाइम में, उसे आप बुक में करने वाले जो हैं वो आप अपने बुक में भर लीजिए। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ए है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ, यानी यहाँ जो क्वेश्चन है इसके दो एग्जांपल्स हमें देने हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, एनिमल्स दैट गिव्स अस ऑयल, जो वो एनिमल्स जो हमें ऑयल देता है। सबसे शुरुआत में जब चैप्टर की शुरुआत हुई थी तभी हमने इसके बारे में आपको बताया था, तो वो एनिमल है कॉड, सेकंड है हैलीबट। दूसरा नंबर है, एनिमल्स दैट गिव्स अस ऊल, ऊल हमें कौन सा एनिमल्स देता है। दो एनिमल्स का नाम देना है, फर्स्ट नेम शिप, सेकंड लैम्ब। थर्ड नंबर है, इंडेंजर्ड एनिमल्स, बंगाल टाइगर एंड लेपर्ड। फोर्थ नंबर, एनिमल्स यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट, मंकीज एंड बियर्स। फाइव नंबर, पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, मदारिस, महावत और चार्मर्स। आप ये तीनों में से दो कोई भी लिख सकते हैं। बी नंबर है, टिक द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक आंसर सही है क्वेश्चन के लिए। तो हम देखते हैं फर्स्ट में, द फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया फॉर टाइगर्स इन इंडिया इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, द राइट आंसर। द फाइन ऊल अंडर द फ्लीस ऑफ चिरू इज कॉल्ड सहतूस। थर्ड नंबर, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन 1973। क्वेश्चन नंबर फोर, पीपल हु कैच द कैच एंड ट्रेन एलिफेंट्स आर कॉल्ड महावत्स। क्वेश्चन नंबर सी है जिसे हम अपनी कॉपी में करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी, यहाँ कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। क्वेश्चन है वन में, चीरू, इसका आंसर होगा ई नंबर। टू में है बियर, बियर का ए में मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री है एलिफेंट, एलिफेंट को डी के साथ यानी ऑर्नामेंट्स के साथ मैच करेंगे। फोर्थ नंबर, मस्क डियर, इसका आंसर है परफ्यूम, इसे बी के साथ मैच करना है। एंड फाइव नंबर है रानासर्स, जिसे हम सी के साथ मैच करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा बुक से लेके चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।